पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज सर रोलैंड डी बॉयस यंगेस्ट सन। जो रोलैंड डी बॉयस हैं इनके यंगेस्ट सन का नाम क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इनके सबसे छोटे बेटे का नाम क्या होता है, ओलैंडो करके होता है, जो क्या हो जाता है, ही फॉल्स इन लव विद रोजालैंड। ठीक है, इसको किससे प्यार हो जाता है, रोजालैंड से हो जाता है। रोजालैंड क्या है, ड्यूक सीनियर की डॉटर है, जो डिस्गाइज कर देती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की अगर बात करें तो, वहाँ पे गैनीमेड करके। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जो हु अनसर्व्ड ड्यूक सीनियर्स पोजीशन तो एट कोर्ट। कोर्ट में अगर बात करें कौन अनसर्व कर लेता है ड्यूक सीनियर की पोजीशन को, तो ये ड्यूक फेडरिक करके, ड्यूक फेडरिक करके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप भी अपना स्कोर जरूर बताएगा, जो क्वेश्चन हमारे लगभग 30 हैं इसमें से आपने कितना स्कोर गेन किया। तो क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात की जाए, हु इज ड्यूक सीनियर, तो ड्यूक सीनियर कौन, सॉरी ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है, ये पूछा जा रहा है, ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर बात की जाए, ड्यूक सीनियर की डॉटर का नाम क्या है, रोजालैंड है। क्या है, रोजालैंड, जो डिस्गाइज भी करती है गैनीमेड के रूप में, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर रखी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, चार्ल्स के अनुसार हु प्लान्स टू डिस्गाइज, कौन प्लान बनाता है डिस्गाइज करने का अपने आप में, एंड एंटर अ रेसलिंग मैच, और एक कुश्ती के मैच में प्रवेश करने एंटर करता है, प्रवेश करता है एट द रॉयल कोर्ट। तो कौन है इसके बारे में बात की जा रही है, ओलैंड डी बॉयस करके है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपॉन हिज फादर्स डेथ, अब जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, यानी कि मतलब उस पर हाउ मच वॉज ओलैंडो विक्टिम, यानी कि क्या करना, विक्टिम करना कि किसी के नाम पे वसीयत कर देना किसी की डेथ के बाद भी अपनी इच्छा स्वरूप। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अगर आंसर की बात करें, 1000 crowns करके है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्ले वॉज लाइकली रिटन इन, जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये लिखा गया है, माना जाता है कब लिखा गया है, 1599 के आसपास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है एज यू लाइक इट की बात चल रही है, प्रीमियर्ड एट दी, तो उसको प्रीमियर किया जाता है कहाँ पे, कौन से थिएटर में, ग्लोब थिएटर, 1599 की हमने बात की थी। ठीक, दी प्ले इज अ, जो प्ले है ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसका जॉनरा क्या है, कहने का मतलब ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्ले इज ऑल्सो ऑफन कंसिडर्ड, जो प्ले है इसको माना जाता है, क्या माना जाता है, इसको पेस्ट्रल कॉमेडी माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शेफर्ड्स की स्टोरी इसमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 10th आप देख सकते हैं, दी प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश इन, जो प्ले है ये पहली बार पब्लिश हुआ तो 1623 में हुआ था, फर्स्ट फोलियो एडिशन की बात हम कर रहे थे। दी फॉर्म ऑफ द प्ले फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज, जो प्ले के अगर फर्स्ट पब्लिकेशन की बात की जाए, उसका फॉर्म, उसका रूप क्या था, फोलियो था, फर्स्ट फोलियो करके हमने बात की। वट इज द नेम ऑफ प्लेज प्राइमरी सोर्स, जो प्ले का प्राइमरी सोर्स है तो क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12th में। तो इसका जब प्राइमरी सोर्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस हैं, देखिए, गैनीमेड, एज यू लाइक इट, रोजालैंड, इफ्यूज करके है, तो रोजालैंड करके होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, देखिए, हु एज ऑन द इंग्लिश थ्रोन व्हेन द प्ले वॉज रिटन, जब प्ले लिखा गया उस टाइम पे थ्रोन पे कौन था, सिंहासन पे कौन था, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हमें बताना है, तो सिंहासन पे उस टाइम पे कौन था, आपको पता है, एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के फादर का नाम ही हेनरी 8th है, हेनरी 8th को जो है डिफेंडर ऑफ फेथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 था, आप देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिस 1623 पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स
वर्क इज नॉन एज, तो उसको क्या कहा जाता है 1623 वाले को, फर्स्ट फोलियो कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं मेन सेटिंग क्या है इसकी, मेन सेटिंग क्या है पूछा जा रहा है इस प्ले की। तो चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ आर्डन करके है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द सेकेंडरी सेटिंग ऑफ द प्ले, सेकेंडरी सेटिंग क्या है इसकी, चार ऑप्शन हमारे पास है, सेकेंडरी सेटिंग बतानी हमें। तो फ्रेंच कोर्ट है, हमने बताया था फ्रांस के बारे में बात की थी, फ्रेंच कोर्ट ड्यूसी करके। इसमें देखिए, द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले, सेंट्रल जो फीमेल कैरेक्टर है प्ले में उसकी बात की जा रही है। तो ये रोजालिंड है जो वेश बदल के जो है गेनीमेड के रूप में, एक लड़की के रूप में अपना वेश बदलती हैं, रोजालिंड यानी कि डॉटर ऑफ क्या बोल सकते हैं, ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर की डॉटर होती है, फ्रेंड होती हैं सीलिया की यानी कि कजिन होती है, ठीक है, सीलिया की अगर बात की जाए। ओरलैंडो एंड ओलिवर आर, ओरलैंडो और ओलिवर जो हैं वो क्या हैं, ओरलैंडो एंड ओलिवर जो हैं ये ब्रदर्स हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम इज, एडम क्या है ये पूछा जा रहा है, एडम क्या है, एडम जो है सर्वेंट ऑफ डी बॉयज फैमिली, जो सर्वेंट हैं डी बॉयज फैमिली का वो उसका नाम है एडम, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द सर्वेंट ऑफ डी बॉयज फैमिली। ओलिवर इज दी, ओलिवर कौन है, ओलिवर एल्डेस्ट सन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो ओलिवर एल्डेस्ट डी बॉयज सन करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूक फ्रेडरिक डिपोज्ड हिज, ड्यूक फ्रेडरिक क्या करते हैं, डिपोज करते हैं किसको, हिज ब्रदर, अपने ब्रदर, और इनके ब्रदर का नाम क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक के, ड्यूक सीनियर करके, ठीक है। ड्यूक सीनियर हैज बीन एग्जाइल्ड, ड्यूक सीनियर को एग्जाइल कर दिया जाता है कहाँ के लिए, दी वुड्स के लिए, जंगल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो दी वुड्स करके हो जाएगा। ड्यूक फर्डिनेंड्स डॉटर इज, ड्यूक फर्डिनेंड की डॉटर का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इनकी डॉटर का नाम, ड्यूक फर्डिनेंड की डॉटर का नाम होता है सीलिया, जो कि डिस्गाइज करती हैं एक सेफर्डिस के रूप में, एलिना करके हमने बताया था, और ये फ्रेंड होती हैं किसकी, रोजालैंड की, कजिन भी हैं, ठीक, रोजालैंड एंड सीलिया आर, तो ये क्या हैं ये पूछा जा रहा है, तो कजिन्स हैं, हमने ऑलरेडी बात की है इस बारे में। विच स्पोर्ट फीचर प्रोमिनेंटली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो कौन से स्पोर्ट्स की बात चलती है बिगिनिंग में, अगर बात की जाए तो इसके रेसलिंग की बात चलती है, 25 का जो आंसर हो जाएगा वो रेसलिंग हो जाएगा, यानी कि कुश्ती जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सिल्वियस है इज इन लव विद, सिल्वियस को किसके साथ लव होता है, इनका मतलब फोबी के, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वेयर डू ऑरलैंडो और रोजालैंड रिट्रीट, तो अनदर कंट्री, द फॉरेस्ट, द सी, ड्यूक सीनियर्स होम, चार ऑप्शन है। 27 के अगर आंसर की बात करें, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में दोबारा से मिलते हैं कि इनका मतलब है ये, ठीक। ओरलैंडो इज लाइकली अ पैरडी ऑफ विच पोइटिक ट्रेडिशन, तो किस पोइटिक ट्रेडिशन की पैरडी है ओरलैंडो ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो पेट्रार्कन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस्ड फूल ऑफ द प्ले इज, तो मूर्ख किसको कहा जाता है वो तो पता है ही आपको, टचस्टोन को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु फॉलोज रोजालैंड टू आर्डन, तो रोजालैंड को कौन फॉलो करता है आर्डन में, अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात चल रही है, तो सीलिया उसके पीछे पीछे जाती है, आपको पता है उनकी कजिन। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक यहाँ पे एक फेमस जो इसमें स्पीच कही जाती है वो भी आप लोगों तक शेयर करते हुए जा रहे हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज करके, इसमें जो फेमस स्पीच होती है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज करके, एक फेमस स्पीच भी इसमें, ठीक है, ये भी पूछी जाती है कई बार, तो
इसलिए इसको भी याद करना उतना ही जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप उत्तराखंड LT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, सफिशेंट वहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर किसी टॉपिक पे बाय चांस आपको नहीं मिलता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी कोशिश ये है कंप्लीट कोर्स हम जो है यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट वन से रिलेटेड अलग वीडियोज़ बनाई गई हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।